प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 508 रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास की आधारशिला रखी। साथ ही पीएम मोदी ने बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का आधारशिला रखी। इन स्टेशनों को पूर्ण विकास के लिए 2584 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस दौरान रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। 450 से ज़्यादा रेलवे स्टेशन राज्यों के और करीब 20 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं। जहानाबाद अमृत योजना के तहत स्टेशनों को आधुनिक रूप से मॉडल स्टेशन बनाने को लेकर आज जहानाबाद के रेलवे स्टेशन सहित देश के कई स्टेशनों पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। गौरतलब हो कि 23 करोड़ की लागत से जहानाबाद रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाना है, जिसका विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर रेलवे विभाग द्वारा विभिन्न तरह की तैयारियां की गई। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी ने इस समारोह में भाग लिया, जहां इस समारोह में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया। जहानाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम का विधान परिषद सदस्य प्रमोद चंद्रवंशी एवं रेलवे विभाग के अधिकारियों के द्वारा शिलान्यास किया गया। हालांकि आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद एवं विधायक कार्यक्रम से नदारद रहे। जिलाधिकारी सहित काफ़ी संख्या में स्थानीय नेता मौजूद रहे। जहानाबाद से मुशर्रफ पालवी की रिपोर्ट। बिहार के लिए गौरवान्वित का विषय है और खास करके जहानाबाद के लिए। मैं जहानाबाद के आम जनता से, जहानाबाद जिला की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जहानाबाद जैसे छोटे जिला को उन्होंने चयन किया है ये अमृत भारत स्टेशन के योजना के तहत। तो बिहार के और जहानाबाद के लोग काफी प्रसन्न है उसे, और आने वाला समय में और विकास होगा। लेकिन आज यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक इस विकास का जो आज कार्यक्रम था इससे दूर रहे, या जनता यानी जहानाबाद की जनता के लिए बड़ा ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि विकास में सबको साथ देना चाहिए, सबको साथ रहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण या जो भी कोई कारण रहा हो, क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के अंदर विकास हो, बिहार एक मॉडल राज्य बने? तो इससे प्रतीत होता है कि सारे लोग कुर्सी के भूखे हैं, और यहाँ के स्थानीय सांसद का जो जीत हुआ है वह जनता के आशीर्वाद से तो हुआ ही है, लेकिन मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ के सांसद को जिताने में। इसलिए बड़ा ही जहानाबाद के जनता के लिए सांसद और विधायक की अनुपस्थिति जो है यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा नंबर है।